इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सीनियर कायद आसिफ सिद्दीकी साहब और दूसरे लोगों के पास पहुंची थी। आज वो इशूज़ को लेकर घाटी एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर हम लोगों ने मुलाकात की। शहरियान को हम ये बात बता देना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ घाटी एडमिनिस्ट्रेशन को बाज़ाब्ता ऑफर किया है कि कम से कम 200 वॉलंटियर्स मजलिस अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट 3 शिफ्ट में काम करने के लिए देने के लिए तैयार है। घाटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस प्रपोजल पर सोचा और यहाँ पर बहुत सारे मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं, तो मेडिकल हेल्प के अलावा बाकी दूसरे कामों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकरीबन 200 नौजवानों पर मुश्तमिल अपनी टीम देने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह उसका एक दो दिन के अंदर घाटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो पॉजिटिव रिस्पांस करेगा। दूसरी चीज़, वार्ड नंबर 9 में जो कुछ मसाइल को लेकर कुछ इश्यूज़ को लेकर यहाँ पर आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन उस पर कार्रवाई करते हुए जो पेशेंट्स वहाँ पर परेशानी क्रिएट कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उन्हें आइसोलेट करने की बात कही है और आने वाले दिनों में वेंटिलेटर जिसकी तादाद तकरीबन अभी 94 है, जिला कलेक्टर से जो है तो मजीद वेंटिलेटर मंगवाने की जो है यहाँ से डिमांड की गई है और हम भी ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जिला कलेक्टर से डिमांड करते हैं कि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर पहुँचाए ताकि कोविड के जो सीनियर मरीज सीरियस मरीज हैं उनको सही वक्त पर जो है तो वेंटिलेटर प्रदान किया जा सके।